नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पर्सनल लोन के बारे में। सब कुछ यानी कि पर्सनल लोन आप लोगों को कैसे मिलता है, कितना ब्याज होता है उसमें, और भी साथ में जैसे कि आप लोगों को पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों को पर्सनल लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और साथ ही ये भी बात करूंगा कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं अगर आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लोन लेना है और लोन लेने के लिए आप लोग परेशान है भैया, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है और आप लोग को समझने में मदद करेगी कि हमें पर्सनल लोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हमारी ब्याज कैसे यहाँ पे डिसाइड होती है अगर हम पर्सनल लोन के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं या फिर किसी भी नॉन बैंकिंग सेक्टर के पास जाते हैं। तो आप देख रहे हैं द इन ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक फिर से हमारे और आपके द इन ट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं भैया पर्सनल लोन के बारे में सब कुछ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं, बैंकिंग हेल्प चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट हेल्प चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। तो यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है भैया पर्सनल लोन की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं और हमें पर्सनल लोन की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो आप लोग ये आइडेंटिफाई कीजिए, पर्सनल लोन हमें कई जरूरतों को पूरा करती है, जैसे कि हमें कभी पैसे की इंस्टेंट जरूरत पड़ गई, किसी को पैसा देना है, या फिर कहीं हमारी निजी अस्पतालों में खर्ची, या फिर कोई ऐसी बातें हो गई जहां पे हमें पैसे की जरूरत इंस्टेंट पड़ रही है। तो पर्सनल लोन का यही फायदा है दोस्तों कि आप लोगों को आधे घंटे के अंदर भी पैसा मिल जाता है, लेकिन वो कई परिस्थितियों में मिलता है, सभी को आधे घंटे के अंदर नहीं मिलता है। तो यहां पे अब हम जानते हैं कि आप लोग अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कितना और कैसे मिल जाता है। तो मैं आप लोग बता दूं, यहां पर्सनल लोन की लिमिट 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 किसी किसी बैंक में है, कहीं कहीं 25,000 है, तो यहां पे हम 50,000 लेकर के चलते हैं, 50,000 से लेकर के 25,00,000 रुपए ये लिमिट है, बाकी इससे ज्यादा भी लोन आप लोगों को मिल जाता है पर्सनल लोन के रूप में। तो यहां पे आप लोगों के क्रेडिट स्कोर वगैरह पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें कि आप लोगों का किस तरह का फाइनेंशियल बिहेवियर है, यानी कि क्रेडिट स्कोर, और भी कई सारे एस्पेक्ट आते हैं जो कि आप लोगों के पर्सनल लोन को डिसाइड करते हैं कि आप लोगों की इनकम कितनी है और आप लोग कितना जनरेट कर सकते हैं रिवेन्यू उनके लिए, मतलब कि आप लोग कोई डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से ये 25,00,000 से ज्यादा भी आप लोगों के लिए जा सकता है अगर आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा ये कितने अमाउंट तक आप लोग लोन ले सकते हैं। मिनिमम आप लोग 50,000 रुपए हर बैंक आप लोगों को दे देगा अगर आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि आप लोगों की ब्याज दरें कैसे डिसाइड होती हैं, थोड़ा इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी कोलैटरल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है आप लोगों से कि आप लोग कुछ गिरवी ला करके रखिए तो हम आपको लोन देंगे। ये डिपेंडेंसी होती है आप लोगों की इनकम पे, आप लोगों के सालाना इनकम पे, आप लोग कितना पैसा कमा रहे हैं उस हिसाब से आप लोगों को पर्सनल लोन दिया जाता है। बाकी अगर आप लोग कोई गिरवी रखते हैं, जैसे कि आप लोग घर के कागजात वगैरह गिरवी रखते हैं, तो वो होम लोन पे चला आता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का कोलैटरल इन्फॉर्मेशन देखी जाती है आप लोगों की अर्निंग के हिसाब से, यानी कि आप लोगों का ये नॉन सिक्योर्ड कैटेगरी में आता है जिसमें आप लोगों को कोई भी दस्तावेज प्रूफ के लिए नहीं देने पड़ते भैया कि आप कुछ गिरवी रख लो और मुझे पर्सनल लोन के रूप में दे दो। तो यहाँ पे इसी की वजह से आप लोगों की ब्याज दरें ज्यादा होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई तो यहाँ पे 20% पे भी अपना भरता है पर्सनल लोन की ब्याज दरें। तो यहाँ पे इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं ले रखी थी उन्होंने, ना ही किसी तरह की आप लोगों से कोई चीजें गिरवी रखा रखी थी, इसलिए पर्सनल लोन पे आप लोगों की ब्याज दरें ज्यादा होती है। वहीं पर अगर हम एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, जैसे कि अगर आप लोगों का होम लोन 8% पे कोई बैंक दे रहा है, तो वो बैंक मान लीजिए कि आप लोग अगर पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को वहां पे 10-15% तक के बीच में दे देगा 50,000 से 25,00,000 तक के लोन। अब ये ब्याज दरें जो होती हैं दोस्तों पर्सनल लोन पे कई चीजों पे डिपेंड करती हैं। कई बार तो आप लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से कोई डिफॉल्ट नहीं किए हैं किसी भी तरह का लोन, चाहे आप लोग मोबाइल की ईएमआई में भी डिफॉल्ट नहीं किए हैं, कई से छोटे छोटे लोन होते हैं जो कि हम कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर देते हैं और वो हमारी क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करती हैं। तो अगर आप लोगों ने उस तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तो आप लोगों को जो ब्याज दरें हैं उसमें भी छूट मिल जाती हैं। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और ब्याज दर में थोड़ी बहुत रियायत चाहते हैं, तो आप लोगों को अपना क्रेडिट स्कोर अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप लोगों को ब्याज दरें सही मिल पाएंगी। और वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों समय सीमा की, आप लोग अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को कितने समय के लिए लोन मिल जाता है, तो पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं तो ये 12 महीने से लेकर के आप लोग का 60 महीने तक होता है, यानी कि आप लोग 1 साल से
पांच साल तक के बीच के लिए लोन ले सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम लिमिट पर्सनल लोन को चुकाने की 5 साल मानी जाती है और यही रखी गई है, और इन्हीं के बीच में आप लोगों को चुकाना पड़ता है। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा कि कई बार हमारे पास पैसा हो जाता है, जैसे कि हम लोगों ने 20 लाख रुपए का लोन ले रखा है और हम लोग यहाँ पे इसको मतलब सोचते हैं कि चलो हमारे पास 20 लाख रुपए आ गए और हम बैंक को जमा कर दें, तो यहाँ पे बैंक लॉक इन पीरियड भी लगता है। अभी लॉक इन पीरियड क्या होता है, लॉक इन पीरियड की यहाँ पे आप लोगों का ये 1 साल तक होता है, 3 महीने से 1 साल तक का पर्सनल लोन में लॉक इन पीरियड होता है। ये अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से रखते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है कि कोई बैंक का 3 महीने हो या 1 साल। आप लोग अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने जाएगा तो वहां पे देख लीजिए कितने महीने का लॉक इन पीरियड है या फिर कितने सालों का लॉक इन पीरियड है। तो इस लॉक इन पीरियड में आप लोग इससे पहले पूरे लोन को नहीं चुका सकते, यानी कि अगर आप लोग के पास 20 लाख रुपए आ गए और आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा भैया अब चुका देना चाहिए, हम और ज्यादा ब्याज नहीं सहना चाहते हैं, तो यहां पे आप लोग चुकाना चाह रहे हो, तो जब तक लॉक इन पीरियड नहीं खत्म होता तब तक आप लोग पूरे लोन को नहीं चुका सकते। लॉक इन पीरियड के बाद आप लोग पूरे लोन को चुका सकते हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब भैया आप लोगों को बैंक कर्ज दे रहा है तो उसको भी थोड़ी बहुत कमाई तो होनी चाहिए आप लोगों से, तो यहां पे इसका ये फायदा उठाता है लॉक इन पीरियड का बैंक। अब यहां पे एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहां पे आप लोगों को चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जो कि आप लोगों का 1-2% तक का होता है पर्सनल लोन का। जैसे कि अगर हम बात करें आप लोग 10 लाख का लोन लेने जा रहे हैं तो इसका 1-2% आप लोगों को इसकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह में देनी पड़ती है, और भी चार्जेस होते हैं जो कि आप लोगों को अप्लाई करते समय एक बार देना पड़ता है। तो अब आप लोग समझिए कि आप लोग अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कितना लोन मिल जाएगा, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा इसको भी ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन सिक्योर्ड लोन का ऑप्शन है पर्सनल लोन, तो यहां पे आप लोग किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, पर यहां पे अगर आप लोगों को पर्सनल लोन दिया जा रहा है किसी बैंक के द्वारा तो वो आप लोगों की सैलरी देखेगा, वो आप लोगों की क्रेडिट स्कोर देखेगा, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि आप लोगों को कितना लोन देना चाहिए पर्सनल लोन के रूप में। अब ये कितना वो डिसाइड करता है, कोई बैंक आप लोगों को 75% दे देते हैं, कोई बैंक आप लोगों को 50% दे देते हैं, कोई बैंक तो आप लोगों को 20% तक ही लोन देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से डिफॉल्ट किए होते हैं, बाकी आप लोग कागज मजबूत होता है जब आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तब वो दे देता है, वरना अगर वो 20-30% लोन दे रहा है आप लोगों को पर्सनल लोन के रूप में तो यहां पे समझिए कि आप लोग बिल्कुल उसकी एलिजिबल नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को बैंक किसी भी तरह से दे रहा है किसी दबाव में आकर के। तो यहां पे दोस्तों इसीलिए आप लोगों को कम लोन मिलता है। बाकी यहाँ पे बैंक कई मानते हैं कि अगर आप लोगों क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा है, काफी अच्छे से आप लोग पैसा वगैरह चुका रहे हैं, तो पर्सनल लोन आप लोगों को आप लोगों की सालाना सैलरी की, आप लोगों की सालाना इनकम की 75% मिल जाएगी। तो यही है सारी चीजें दोस्तों पर्सनल लोन के बारे में। बाकी एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे अगर आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का वही सिंपल KYC फॉर्म जो आप लोग अकाउंट खुलवाते समय करते हैं, आप लोगों का पैन कार्ड, आप लोगों का एक एड्रेस प्रूफ और साथ में आप लोगों का एक आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आप लोगों का एड्रेस और आइडेंटिटी कार्ड एक ही में हो जाएगा, अगर आप लोगों का आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर अगर आप लोगों का बिजली का बिल हो तो वहां पर आप लोगों का एड्रेस प्रूफ काम कर देगा, और दूसरा आप लोग कोई यहां पर अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा दीजिएगा। ये तो बेसिक KYC की प्रोसेस है जो कि आप लोग काफी आराम से जानते हैं, काफी आसान चीज है। अब यहां पर आप लोगों को 1 साल का ITR भी देना पड़ेगा, ये मिनिमम चीज बता रहा हूं, कई बैंक आप लोगों को 2-3 साल भी मांगते हैं, तो आप लोग उसके लिए पैनिक ना मत होइएगा कि भैया द इंडियन फीवर के रवि ने बताया था कि 1 साल का ही ITR चाहिए, तो वो अलग अलग बैंकों की अलग अलग डिमांड होती है, मिनिमम 1 साल का ITR लगता है, बाकी अब बैंक आप लोगों से कितना मांग सके। अब यहां पे ITR देने के बाद आप लोगों को अपना सैलरी का भी प्रूफ देना पड़ता है, एक पहले तो बैंक आप लोगों का पता कर ही लेता है, लेकिन आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में ये सारी चीजें सबमिट करनी पड़ती हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहता हूं कि भैया आप लोगों ने पर्सनल लोन के बारे में तो सब कुछ समझ ही लिया, क्या ये पर्सनल लोन लेना ठीक है? जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों से, तो पर्सनल लोन लेना क्या ठीक है, तो मैं कहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन है पर्सनल लोन के बिना तो आप लोग उस लोन के साथ जाइए, उस लोन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पर्सनल लोन की ब्याज दरें आप लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, पर्सनल लोन की ब्याज दरें काफी ज्यादा हैं। तो आप लोगों को मैं सजेशन करना चाहूंगा कि अगर आप लोग पर्सनल लोन के बजाय होम लोन लेने या फिर कोई और अदर लोन जाए जिसके साथ ब्याज दरें पर्सनल लोन के मुकाबले कम हो तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा।
पर्सनल लोन आप लोगों को जल्दी मिल जाता है। अगर इंस्टेंट जरूरत है आप लोग तो पर्सनल लोन के लिए जाइए। बाकी आप लोगों को मैंने सारे पहलू समझा दिए हैं कि पर्सनल लोन में इतनी ज्यादा ब्याज दरें क्यों मिलती हैं और होम लोन्स वगैरह में क्यों कम ब्याज दरें होती हैं, क्योंकि उनके पास एक सिक्योरिटी के रूप में आप लोग घर का कागज होता है या फिर कोई जमीनी कार्यवाही उनके पास होती है कि अगर आप लोग लोन डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक आप लोगों से कैसे पैसे वसूलेगा, उनके पास एक ऑप्शन रहता है। लेकिन आप लोगों का पर्सनल लोन में इस तरह का ऑप्शन नहीं होता है, वो आप लोगों की सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है, वो आप लोगों के सालाना इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए आप लोगों के ऊपर ज्यादा ब्याज क्या थोपते हैं जिम्मा। तो यही सारी चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखिए और लोन के लिए अप्लाई कीजिए। बाकी ये आप लोगों को वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो ने हेल्प करी हो लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर करके उनको जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों अगर कोई जॉब करना स्टार्ट करता है या फिर कोई नौकरी करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे अब उसके पास पैसे आने लगते, तो सोचता है कि हम कुछ कर्ज लेकर कुछ पर्सनल लोन लेकर के अपने पुराने कर्जों को चुका दे, या फिर अगर कुछ कर्ज लेकर के नया घर ले लें या फिर नई जमीन ले लें। तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, उसकी हेल्प हो सकती है कि उसे किस तरह का लोन लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो से इतना ही है। अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियो के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन इसी तरह की वीडियोस की आती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों की हेल्प हुई होगी। बाकी अगर आप लोगों का स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया द इंडियन फीवर पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है। अगर आप लोग फेसबुक पे हैं, अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो आप लोग द इंडियन फीवर सर्च करेंगे तो वहां भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।